जय हो नीलकंठ महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज के हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि जनवरी 2020 महीने का राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन और ग्रहों की पोजिशन मकर राशि पर क्या प्रभावकारी रहेगी, क्या शुभ अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको नववर्ष 2020 की तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपको हर एक कार्य क्षेत्र में सफलताएं देखने को मिले। तो चलिए दर्शकों, इसी के चलते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, जब जनवरी 2020 महीने की शुरुआत होगी तो आपकी जन्मकालीन राशि यानी कि आपकी मकर राशि से ग्रहों की गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपके जो राशि स्वामी है शनि ग्रह, वह 12वें हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस के स्वामी शनि ग्रह 12वें हाउस में रहेंगे। आपके भाग्य के स्वामी बुध ग्रह भी 12वें हाउस में रहेंगे और कर्म स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह आपके राशि पर विराजमान रहेंगे। आपके सिक्स हाउस में राहु ग्रह विराजमान रहेंगे और लाभ स्थान में मंगल ग्रह अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। तो दर्शकों, इस प्लेसमेंट जो ये ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का जो संबंध है वो 12वें हाउस से बन रहा है और राहु की दृष्टि आपके 12वें हाउस पर जा रही है। यानी कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, यानी कि आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं फॉरेन कंट्री जाने के। या अगर आप कोई MNC कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, या अगर आपकी नौकरी आपकी जॉब MNC कंपनी में है, तो आपको बहुत ही बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी बुध ग्रह भी आपके 12वें हाउस में, और जो कुंडली का 12वां हाउस होता है वहां से हम विदेश यात्रा, खर्चे, हॉस्पिटल्स, इन सब चीजों के बारे में विचार करते हैं। तो दोस्तों, विदेश यात्रा, विदेशी क्लाइंट, विदेशी कंपनी से आपको बहुत ही बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपके जो खर्चे हैं यहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दर्शकों 12वें हाउस से हम खर्चा भी देखते हैं, तो आपके खर्चे भी बहुत होंगे। हॉस्पिटल्स में भी आपके खर्चे देखने को मिल सकते हैं, छोटे मोटे यहाँ पे आपको रोग भी लग सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कब तक वो कब तक चलेगा? सिर्फ और सिर्फ 24 जनवरी 2020 तक, क्योंकि 24 जनवरी के बाद आपके राशि स्वामी शनि ग्रह अपने ही घर में विराजमान हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके भाग्य के स्वामी बुध ग्रह 13 जनवरी से 12वें हाउस से निकलकर आपके राशि पर गोचर कर लेंगे। यानी कि भाग्य के स्वामी आपके राशि पर आ जाएंगे, तो 13 जनवरी के बाद आपका जो भाग्य है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी कि जो भी आपको अड़चने आ रही हैं आपके भाग्य में, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो भाग्य है साथ नहीं दे रहा, मैं कहीं भी जाता हूँ अड़चने आते ही हैं, लक मेरा साथ नहीं देता, या मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी मेरी शिक्षा है, मैं एग्जाम देता हूँ, मैं उसको मतलब जो है पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मुझे मानसिक तनाव देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है, सफलता देखने को नहीं मिलती, तो दर्शकों 13 जनवरी के बाद जब बुद्धि के देवता बुध ग्रह, वाणी के देवता बुध ग्रह आपके राशि पर विराजमान हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ाई में भी सफलता देखने को मिलेगी, भाग्य में सफलता देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपके जो कर्म स्थान के स्वामी हैं शुक्र ग्रह, वह भी 9 जनवरी से आपकी राशि से निकलकर आपके धन भाव में आ जाएंगे। यानी कि कर्म स्थान के स्वामी धन भाव में, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, छोटा मोटा काम कर रहे हो, लेकिन जो भी आप करोगे उसमें आपकी अर्निंग्स अच्छी होगी और अर्निंग के साथ साथ आपकी सेविंग्स भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर दर्शकों मकर राशि के लिए यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन है कि शुक्र आपकी कुंडली में, आपकी जो गोचर चल रहा है चंद्र राशि से, उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, आपके बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ शनि ग्रह की प्लेस तो अच्छी है ही 24 जनवरी के बाद। कुल मिलाकर यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन दर्शकों ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से तो लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलेगा जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके धन भाव में है, बुध ग्रह आपके राशि पर आ जाएंगे 24 जनवरी से, शनि ग्रह आपके अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली को जरूर दिखाएं कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न लग्नेश की क्या उपस्थिति है, शनि ग्रह कहां पर है, दशा महादशा क्या चल रही है, क्योंकि मैं मकर राशि की बात कर रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। और मकर राशि इस पूरे पृथ्वी में बहुत सारे लोगों की होगी, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, छोटे लोग भी हो सकते हैं और सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। अब उनके साथ क्या क्या फल देखने को मिलेंगे, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, वो सब जन्म कुंडली और हम जब ग्रहों में गोचर चल रहे होते हैं उन सब के आधार पर ही सटीक फलाफल का पता चलता है कि आपको
वाकई में क्या फल देने में सक्षम रहेंगे ग्रह। तो दर्शकों अपनी जन्म कुंडली का आकलन जरूर कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।